ऑलराइट दोस्तों, ये है लेनोवो आइडिया पैड स्लिम 5i। ये जो लैपटॉप है ना, ये मैं कहूंगा स्मार्ट है, पोर्टेबल है, वर्किंग प्रोफेशनल या फिर आप स्टूडेंट्स हो उनके लिए जबरदस्त है। एक ऑलराउंड लैपटॉप अगर आपको देखना है, यू शुड डेफिनेटली लुक एट दिस। ये वीडियो पूरा देखने के बाद पता चल जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ, बट लेट्स ओपन। और दोस्तों नाम में ही स्लिम है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी स्लिम एंड लाइट वेट। इट इज यस। बॉक्स के अंदर क्या और क्या आता है देखते हैं। यस, देयर इज अ चार्जर। ऑलराइट, बड़ी ब्रिक आती है, 65 वॉट का चार्जर है दोस्तों, एंड दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं है। लेट्स कीप दिस असाइड, लैपटॉप के पास देखते हैं। वाओ, फील्स गुड, वेरी नाइस। वैसे आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है दैट इज ब्रॉट टू यू इन कोलैबोरेशन विद लेनोवो एंड इंटेल। यस, लेकिन जो भी इनपुट्स है, जो भी मैं बता रहा हूं, दीज ऑल थॉट्स आर माइन, तो उतना याद रखिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले अगर पोर्टेबल का है तो इसका वेट तो करना ही है। जी हाँ, दैट इज सिग्नेचर। लेट्स डू दिस। ग्राम्स में इट विल बी 1320, 1350 ग्राम। लेट्स सी, 1470 ग्राम्स। हाँ, वैसे वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अच्छा है दोस्तों, इतना ज्यादा हैवी लगता है, बट यस इट इज 1470 ग्राम। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में 3.5mm जैक आता है, दो USB टाइप सी पोर्ट्स आते हैं, दो USB टाइप ए आते हैं। इसमें से एक जो है ना USB टाइप ए, ये एक्टिव होता है जब आप लिड भी बंद करते हो। इसका मतलब यू कैन यूज दिस एज अ पावर बैंक, फोन वगैरह चार्ज कर रहे हो लेकिन ये अगर बंद है आपका लिड, फिर भी USB टाइप ए चालू रहेगा, सो दैट इज गुड। एंड देन यू ऑल्सो हैव अ माइक्रो SD कार्ड रीडर। यस, नीचे अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये एग्जॉस्ट ग्रिल्स है, यस फॉर हॉट एयर। और ये कंप्लीटली एल्यूमिनियम बिल्ड है, फ्रंट एंड बैक एंड लिड। या दैट्स अबाउट इट, और तो कुछ नहीं है। वेयर आर द स्पीकर ग्रिल्स? आई थिंक स्पीकर ग्रिल्स ऊपर होंगे। वैसे आपको बता दूं कि ये जो है ये ड्यूरेबल भी है, इनफैक्ट मिलिट्री ग्रेड 8H, कुछ 20 अलग अलग सर्टिफिकेशन किए हुए, टेस्ट किए हुए इन्होंने, सर्टिफिकेशन टेस्ट किए हुए, सो या इन ड्यूरेबिलिटी ऑल्सो क्वाइट गुड। चलिए बाहर से देख लिया दोस्तों, लेट्स लुक एट इट फ्रॉम इनसाइड। लेट्स ओपन द लेड। ऑलराइट, ये देखिए, मतलब ये जो है नियरली मैं कहूंगा 170 डिग्रीज तक ओपन होता है, विच इज रियली नाइस। यू कैन लुक एट दिस। जनरली लैपटॉप जो है इतने ओपन होते हैं, ये जो है इट गोज ऑल द वे डाउन। मैं कहूंगा ये जो कीबोर्ड है वेरी वेरी डिसेंट, की ट्रैवल सही में बहुत ही टैक्टाइल है, एवरेज साइज कीज है, की ट्रैवल डिस्टेंस भी अच्छा है, नाइस। मतलब डिस्टेंस अगर की के बीच में डिस्टेंस कहूं तो इट इज क्रैम्प्ड नहीं है, इट्स वेरी नाइस। या एंड जो स्पीकर ग्रिल्स कह रहा हूं, साइड में स्पीकर ग्रिल्स भी है, तो यू नो फ्रंट फेसिंग, फेस फेसिंग स्पीकर्स आपको मिलते हैं जिसकी वजह से आवाज और भी अच्छा है। टच पैड के बारे में बात करूं तो डिसेंट साइज टच पैड है। ओवरऑल पोर्टेबल होने के बावजूद दोस्तों मैं कहूंगा कि कीबोर्ड एंड जो टच पैड है दे आर ऑफ गुड साइज। और हाँ, ये कीबोर्ड जो है ये बैकलिट कीबोर्ड भी है, तो अंधेरे में वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, यू विल वेरी क्लियरली सी ऑल द कीज, सो दैट इज देयर। वैसे डिस्प्ले, लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। डिस्प्ले के पहले दोस्तों, इसमें फुल HD वेबकैम जो है वो फुल HD का आता है, IR भी है, तो विंडोज हेलो का भी सपोर्ट आता है, दो माइक्रोफोन्स भी है, तो जब आप वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो बहुत अच्छी तरह से होगा। उसके बारे में बात करने वाला, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स है, बट डिस्प्ले इज OLED डिस्प्ले। इसमें दो अलग अलग वेरियंट आते हैं, नॉन OLED डिस्प्ले जिसमें IPS LCD आता है, एंड दिस वन इज OLED डिस्प्ले जिसका जो ब्राइटनेस है 400 nits brightness है। और हाँ, डिस्प्ले के लिए लो लाइट सर्टिफिकेशन भी आता है, तो ब्लू लाइट का जो फिल्टर वगैरह होता है, अंधेरे में आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके आंखों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर बेजल्स के बारे में बात करूं, यू कैन सी बेजल साइड के बहुत ही पतले, ऊपर भी मैं कहूंगा बेजल पतली है, नीचे की चिन भी ज्यादा बड़ी नहीं है। जनरली दोस्तों आप देखते हो थोड़ी बड़ी होती है लैपटॉप में, दिस वन बिकॉज इट इज पोर्टेबल ज्यादा बड़ी नहीं है, दिस इज नियरली ऑल डिस्प्ले, एक्सीलेंट। चलिए स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो आता है, ये आता है 13th जनरेशन के इंटेल प्रोसेसर्स के ऊपर, एंड 13 जनरेशन स्पेसिफिकली आप देखोगे तो परफॉर्मेंस के मामले में, एफिशिएंसी के मामले में भी दे हैव रियली इंप्रूव्ड क्वाइट अ लॉट, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी कोर्स आते हैं बट परफॉर्मेंस कोर्स भी है, एंड 5.6 GHz तक ये क्लॉक्ड है। सो जो परफॉर्मेंस आपको मिलता है अगर आप प्रीवियस जनरेशन के साथ कंपेयर करते हो, इट इज अ बिग जंप, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस कोर्स है, जब आप ज्यादा स्ट्रेन्यूस टास्क कुछ कर रहे हो, ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो, तब वो इस्तेमाल होंगे, और बैटरी आपकी बचाने के लिए एफिशिएंसी कोर्स, जब ज्यादा हैवी टास्क नहीं कर रहे हो, सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्मार्टफोन्स में होता है वैसे ही अब
लैपटॉप्स में भी है। और हाँ, लेटेस्ट चिपसेट होने की वजह से दोस्तों DDR4 रैम टाइप को तो सपोर्ट करते ही है, बट DDR5 रैम टाइप को भी सपोर्ट करते हैं जो लेटेस्ट रैम टाइप है। वैसे दोस्तों ये जो 13 जनरेशन के इंटेल के चिपसेट्स है ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो मल्टीटास्किंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं। वैसे रैम के बारे में बता दूं कि सोल्डर्ड रैम आती है तो आप एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, बट परफॉर्मेंस इज ऑलरेडी क्वाइट गुड बिकॉज ऑफ दिस चिपसेट्स। वैसे हमने कुछ बेंचमार्क भी रन किए दोस्तों परफॉर्मेंस के लिए, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं जो भी बेंचमार्क हमने रन किए। और लेटेस्ट 13 जनरेशन के इंटेल कोर होने की वजह से यू नो कटिंग एज कनेक्टिविटी भी मिलती है, वाईफाई 6E है, ब्लूटूथ 5.2 का भी सपोर्ट आता है इधर। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो OLED डिस्प्लेज होते हैं ना, दे रियली आई मीन लुक एट द कलर्स। तो अगर आप प्रीफर कर रहे हो यू नो डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली लुक फॉर OLED। इधर मैं प्राइस के बारे में अगर बताऊं तो ये जो स्टार्ट होते हैं, वेरियस वेरियंट्स, अलग अलग वेरियंट्स होते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम बेसिकली 65,000 एंड फिर ऊपर जैसे आप लोगे उस हिसाब से है। इसमें 16GB ऑनबोर्ड रैम आती है, लेटेस्ट जनरेशन आपको SSD मिलती है, अप टू 1TB स्टोरेज मिलता है, M.2, सो दैट इज देयर। आइरिस XE इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड आता है। अगर 14 जनरेशन के बारे में बात करूं तो उसमें इंटेल आर्क ग्राफिक्स कार्ड मिलते हैं। ऑलराइट, OS के बारे में बात करते हैं दोस्तों, विंडोज 11 प्रो एज वेल एज विंडोज 11 होम मिलता है, जो भी आप वेरियंट लोगे उस हिसाब से अलग अलग, बट यस बेस वेरियंट में आपको होम मिलेगा, अदरवाइज ऊपर वाले वेरियंट लोगे तो प्रो मिलेगा। लेनोवो का डैशबोर्ड आता है जिसका नाम है लेनोवो वैंटेज। बहुत सारी चीजें उधर से कर सकते हो। एक तो आप देख सकते हो कि वारंटी कितनी चली गई है, कितनी बाकी है, तो वारंटी में अगर कुछ करना है तो यू कैन डू दैट। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आता है, यस इनफैक्ट 56.6 वॉट आर की बैटरी है, और लेनोवो क्लेम करता है कि 15 मिनट आप चार्ज करोगे विद फास्ट चार्जिंग तो 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा काम करने, बैटरी लाइफ मिलेगी, सो या दैट इज गुड। और हाँ, बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं तो 8 से नॉर्मल मॉडरेट यूसेज अगर आप करोगे तो 8 से 9 घंटे तक आपको बैटरी लाइफ मिलेगी इसकी। और लेनोवो वॉन्टेज में आपको 2-3 और फीचर्स मिलते हैं। देखिए अभी AI के बहुत सारे फीचर्स सब जगह पे आ गए, वैसे इसके ऊपर भी है, सब टाइटलिंग वगैरह है, वॉइस ओवर वगैरह आपको करना है, ये सब फीचर्स आपको लेनोवो वॉन्टेज में मिलेंगे। फ्लिप टू स्टार्ट इसके अंदर है दोस्तों, मतलब आप बंद करो बंद हो जाएगा, जैसे ही खोलोगे लिड इट विल ओपन ऑटोमेटिकली, बूट करने की जरूरत नहीं है आपको, पावर ऑन ऑफ बटन करने की जरूरत नहीं है, सो दैट इज गुड। क्विक काम आपको करना है, बंद चालू करना है, बैटरी सेव करनी है, यू कैन डू इट। वरना आप कहोगे किधर मैं अभी बंद करूं, यू विल कीप इट ओपन तो बैटरी जाती है, बट यू डू दिस एंड देन यू ओपन एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। इसमें और एक फीचर आता है, 0 touch वीडियो प्लेबैक। वीडियो देख रहे हो आप, जी हाँ, हमारे यूट्यूब वीडियोज वगैरह देख रहे हो, एंड देन एक कॉल आ गया, आपको फोन लेना है और किधर जाना है, इफ यू गो अवे ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा वीडियो, क्योंकि आगे वेबकैम के साथ में TUF सेंसर, टाइम ऑफ फ्लाइट का सेंसर भी दिया हुआ है, सो इट कम्स टू नो कि भाई आंखें देख नहीं रही है वीडियो, इमीडिएटली पॉज हो जाएगा। और ये जो टचपैड है ना, ये मल्टी फंक्शनल है, मतलब ब्राइटनेस वगैरह कम ज्यादा करना है ये आप टचपैड से ही कर पाओगे। और हम लैपटॉप्स OS के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं ब्लोटवेयर्स में, बट बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स होते हैं ना, वो बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स डाल देते हैं। थैंकफुली इसके अंदर आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, 2-3 ही, वो भी रिकमेंडेशन में कहूंगा कि भाई आपको इंस्टॉल करना है क्या, वो भी एप्स लाइक यूट्यूब, फेसबुक, जो आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हो, फिर ही वो इंस्टॉल करेगा, वरना नहीं, क्लीन UI आपको मिलता है। बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो आपको AI के लिए माइक्रोसॉफ्ट का Copilot मिलता है, सो दैट इज देयर। और 30 days McAfee का वायरस प्रोटेक्शन मिलता है, बट ये विंडोज डिफेंडर इज गुड इनफ, बट ठीक है, मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे वेबकैम के लिए लेनोवो स्मार्ट अपीयरेंस नाम का फीचर आता है, बहुत ज्यादा आप अगर जूम कॉल, वीडियो कॉल्स कर रहे हो तो इसेंशियली जब आप मूव भी होगे तो आप बीच में ही रहोगे, ऑटोमेटिकली वो जो फील्ड ऑफ व्यू है वो चेंज करेगा आपके हिसाब से, सो दैट इज देयर। बैकग्राउंड वगैरह ब्लर करना है, चेंज करना है बैकग्राउंड, वो सब आप कर पाओ। वैसे मल्टीमीडिया में आपको मजा आएगा, क्योंकि OLED डिस्प्ले, स्पेशली अगर OLED लेते हो आप, यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस। एंड फ्रंट फायरिंग स्पीकर है, उसकी वजह से आवाज भी आपको बहुत क्लियरली आती है, वेरी वेरी डिसेंट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। सो फाइनली ये जो लेनोवो आइडिया पैड स्लिम 5i जो है, किन लोगों के लिए, इस वीडियो के स्टार्ट में मैं बताया दोस्तों, इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, बहुत सारा काम करते हो, कोडिंग वगैरह करते हो, कॉलेज के लिए आपको चाहिए, एक पोर्टेबल लैपटॉप आपको चाहिए, ज्यादा आपको पैसे खर्चे करने नहीं है, जी आपका बजट अगर 60-70 हज़ार का वगैरह है, डेफिनेटली आपने देखना चाहिए, स्पेशली फॉर दिस पोर्टेबिलिटी फैक्टर एंड इंटेल चिपसेट्स। 13 जनरेशन के जो चिपसेट्स है परफॉर्मेंस सही में अच्छे देते हैं, दैट्स व्हाट लेनोवो आइडिया पैड स्लिम 5i इज। इतने बड़े नाम क्यों रखते हैं, बट हाँ वो ये नाम है। वैसे आपको लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, इफ यू वांट टू चेक इट आउट प्लीज डू। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।